हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आई हर्ड ईव ने एप्पल को खा लिया, विच मीन्स लिसन, जब यूजली एक इंसान बहुत अच्छा दिख सकते हैं, लाइक दे कैन पुट अप अ बिग फ्रंट कि वो बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बट देन जब परीक्षा की घड़ी आती है ना, तो रिजल्ट्स बताता है कि किसके अंदर क्या छुपा हुआ है। जब सर्पेंट ने, डेविल ने, यू नो दैट्स स्नेक, ये एडम ईव वाला स्टोरी में बता रही हूँ, सिचुएशन बता रही हूँ, ठीक है। जब सर्पेंट ने ईव को टेम्प्ट किया, लालच दिया कि इस एप्पल को खा लो, तो वो खा ली थी, राइट। तो यहाँ पर किसी का ईगो मैनिफेस्टेशन वाला पार्टनर, सी एडम का रियल पार्टनर जो है वो लिलिथ थी। अगर आपने वो स्टोरी नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाओ, मेरे प्लेलिस्ट में मैंने लिलिथ, ईव और एडम की स्टोरी को ऑलरेडी वहाँ पर इंटरप्रेट किया हुआ है। आई स्पोक अबाउट इट, ठीक है। एडम का रियल पर्सन, उसका ट्विन फ्लेम लिलिथ थी, ठीक है। एंड ईव उसका ईगो मैनिफेस्टेशन था, उसके रिब से क्रिएट किया गया था। हाँ, उसका इक्वल, पर रिब कहाँ है? सोलर प्लेक्सस, और सोलर प्लेक्सस जब बंद रहता है तो दैट्स ईगो, राइट। वो उसका ईगो मैनिफेस्टेशन। लिलिथ और एडम के बीच में फाइट चली थी ना, लिलिथ को समानता चाहिए था, एडम ने उसे उसका समानता देना नहीं, इक्वल इक्वालिटी उसको नहीं देना चाहता था, राइट। लिलिथ अपसेट हो गई और उसने कहा कि जैसे भगवान डिवाइन मुझसे प्यार करते हैं, उसी तरीके से अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, देन आई एम लीविंग, और वो चली गई, राइट। एंड एडम ने अपने लिए एक दूसरी वाइफ का मांग किया, राइट। तो भगवान ने, वो जिस लेवल पे वाइब्रेट कर रहा था अपने ईगो के स्टैंड पॉइंट से, अपने रियल वाइफ को, अपने अदर हाफ को उसने समानता, वो पोजीशन, वो रिकग्निशन नहीं दिया, तो भगवान ने भी उसी के लो वाइब्रेशन के वो मैच करने के लिए एक नया वाइफ दिया, दैट वॉज ईव। ईव उसका रियल वाइफ नहीं थी, उसका ईगो मैनिफेस्टेशन था, ठीक है। सो देर इज़ अ मैस्कुलिन हियर, ठीक है, जिसने अपने ईगो से एक सेकेंड वाइफ को मैनिफेस्ट किया, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द फ्रेज जो मुझे सुनाई दिया, ईव ने उस एप्पल को बाइट कर लिया, दैट मीन्स कि वो टेम्पटेशन में गिर गई, कि उसके अंदर क्या लालच है, कि उसके अंदर क्या नेगेटिविटीज़ है, अब ये सबके सामने प्रकट हो रहा है। लाइक लिटरली एज आई एम डूइंग दिस रीडिंग, इट्स एन ऑन गोइंग एनर्जी, ठीक है। सब ने शो करने की कोशिश किया था कि यू नो ये सेकंड वाइफ ज़्यादा अच्छा है, दिस एंड दैट, बट नो, इस रिलेशन की, रिलेशनशिप की रियलिटी और इस सेकेंड वाइफ की रियलिटी अब सबके सामने आ रहा है, ठीक है। सो दिस टेल्स मी कि इस बंदी ने चीटिंग करा है। एंड आई विल से द वे इट इज़, आप लोग रोल स्विच कर सकते हो, आप, आपका पर्सन एक फेमिनिन हो सकता है जो अपने ईगो से एक टॉक्सिक मैस्कुलिन को मैनिफेस्ट किया होगा, रनर आपको छोड़ करके वो किसी कार्मिक के साथ है, स्विच द रोल्स, ठीक है। बट आई विल से द वे आई एम गेटिंग इट, यहाँ पर एक डिवाइन मैस्कुलिन है जो अपने ईगो से एक कार्मिक को मैनिफेस्ट किया, और अब उनकी एक्चुअल, उनकी रियल फेसेस कि वो एक्चुअली कितने टॉक्सिक है, कि अंदर ही अंदर उनमें कितनी लालच, कितनी कमजोरियाँ भरी पड़ी हुई है, ये अब बाहर निकल के आ रहा है, लाइक लिटरली इट्स पोरिंग आउट, ठीक है। एंड दिस वुमन, इसने लिटरली चीट करा,
इस डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर किसी और के साथ. शी फेल इन टू द टेम्पटेशन. सो वील सी कि इसने किसके साथ चीट करा. ठीक है, हु डिड दिस कार्मिक फेमिनिन चीट विद. उसके पास चॉइसेस थे, उसने बहुत कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया है सेइंग कि आई वांट इट, मुझे चखना है, उस एप्पल को चखना है. Who's this feminine cheating with? The temperance reversed, the tower reversed, and we have the eight of pentacles reversed. So, उसने literally divine masculine को छोड़ एक ऐसे बंदे के साथ cheat किया है जो jobless है, जिसका कोई life का motto नहीं है, like कोई life का purpose नहीं है. Somebody who's blind, probably is good looking, ठीक है, but is सेक्शुअली बहुत हाइटेंड है. ठीक है, वेरी डिसबैलेंस व्हेन टेम्परेंस रिवर्स्ड. ये फेमिनिन के पास हेल्प मांगने के लिए आया था. आई नीड यू, आई केयर फॉर यू, आई नीड योर हेल्प, आई लव यू, एंड देन थिंग्स हैपेंड. बंदी ने जोरदार यहाँ पर चीट करा है, लाइक एक बार नहीं कई बार किया. देर आर लॉट ऑफ रेड्स हियर, अ लॉट ऑफ पैशन. ये बंदी एक्चुअली अंधेरे को पसंद करती है बॉस. शी लाइक्स द डार्क साइड. वो टॉक्सिसिटी में मेस करना, थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व करना, मैनिपुलेट करना, लाइक लिटरली ये आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ऐसा कोई मैसेज निकल के आता है दैट उसे सेक्शुअली इंटरमेट होते वक्त उसे मारपीट करना अच्छा लगता है. लाइक वो 50 Shades of Grey वाला सिचुएशन. शी लाइक्स टू गेट हिट. वो या तो अपने पार्टनर को अब्यूज़ करती है, मारपीट करने लग जाती है, या फिर उसे पसंद है कि कोई उसे हर्ट करे. शी इन्जॉयज़ दैट पेन. उसे वो I'm trying. ये एनर्जी बहुत ही है मेरे लिए. प्लीज़ बेयर विथ मी. आई एम बेयरिंग विद दिस एनर्जी एज वेल. इसे दर्द पसंद है. ये दवाई नहीं ढूंढती है, ये दर्द ढूंढती है. वो बीमार नहीं है. दिस बिच इज़ ईवल. सी, जो बीमार होते हैं ना वो दवाई ढूंढते हैं अपने आप अपना इलाज करने के लिए, बिकॉज दे वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट. ठीक है, पर जो ईविल होता है ना, जो शैतानी होता है ना, वो दर्द ढूंढता है कि उसको दर्द में मज़ा आता है. दैट इज़ व्हाट दे सीक. सो दिस इज़ अ पर्सन जो एक्चुअली इस दर्द को एक्टिवली ढूंढता है. तो वो या तो किसी ऐसे पर्सन के पास जाएगी जो उसे चोट पहुँचाए, या फिर ऐसे किसी पर्सन के पास जाएगी जहाँ पर वो सामने वाले को चोट पहुँचा सके, जो उसके आगे सबमिसिव हो. या तो वो सबमिसिव होगी या सामने वाले को वो सबमिसिव करवाएगी. ठीक है ना. Yeah, we have the Six of Wands and it's reversed. We have the Star reversed. We have the Judgment reversed. ये serious एकदम dark situation है बॉस. ये जिसका भी divine masculine है, ये जिसका भी Adam है, वो बहुत ही sad, मतलब एकदम terribly sad position में है इस वक्त इस karmic के साथ. Because शी इज़ लाइक दिस इज़ somebody जो एक्चुअली जेजिबल एंड इनक्यूबस इक्यूबस एनर्जीज को इम्बॉडी करती है. शी हॉर्न्स अपने पार्टनर्स को सपने के जरिए, लाइक ड्रीम स्टेट में वो सिड्यूस करेगी एक्टिवली अपने पार्टनर्स को, सेक्स स्पेल्स करना. ठीक है, एंड जहाँ पर उसे नहीं जाना चाहिए वो उन्हीं जगह पर मज़ा लेती है. लाइक शी लाइक्स टू ब्रेक रूल्स, एकदम रिबेल जैसा. वो वही सारी चीज़ें पसंद करती है जो एक्चुअली निषेध है, जो सोल के लिए अच्छा नहीं है, वो उन्हीं चीज़ों को करती है. दिस इज समबडी जो टेम्प्ट करते हैं.
शी इज लाइक द डेविल इन इट्सेल्फ. यप. एंड ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये सिचुएशन ख़त्म नहीं आई, इट्स ऑन गोइंग. एंड योर मैस्कुलिन इज गोइंग टू कम इन टू रियलाइजेशन अबाउट दिस पर्सन. इट्स लाइक वो लिटरली लोगों के सामने ना इल्यूजन क्रिएट कर देती है, उनका जजमेंट फॉक कर देगी, ठीक है. एंड वो लोगों को उनके स्तर से नीचे गिरा देती है, लोगों को अपने लेवल पे लेकर के आ जाती है. इसके साथ जो भी इंटरमेट होगी ना, उसकी ज़िंदगी बर्बाद है बॉस. यहाँ से बाहर निकलना इट्स गोइंग टू बी एक अलग ही लेवल का फाइट. ये लोगों को रिडीम नहीं होने देती, सोल्स को रिडीम नहीं होने देती. एंड शी टारगेट्स गुड सोल, एकदम हाई वाइब्रेशनल सोल्स को वो पकड़ती है. उसे मज़ा आता है लोगों को अपने स्तर पे नीचे गिराने में. शी इन्जॉयज़ दिस इंटायर प्रोसेस. आई एम हियरिंग इसका एक परमानेंट पार्टनर है प्रॉब्ली, जिसके साथ वो एप्पल शेयर की थी, ठीक है. एंड अदर देन दैट वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी है. एंड देर आर सम मोर. आई एम हियरिंग यहाँ पर कुछ जूनियर्स भी है, लाइक छोटे बच्चे भी है, अंडर 18 किड्स है जिन्हें वो यूज़ करती है लोगों पर नज़र रखने के लिए. लाइक वो लिटरली पैसे देती है इन बच्चों को, लालच देती है ताकि वो दूसरों की खबर ले सके. लाइक पकड़ लो, अगर वो आपको डेट कर रही होती, फॉर एन एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, तो आपके भाई बहनों के बहनों को लालच देगी ताकि आपके भाई बहन आपके बारे में उन्हें रिपोर्ट कर सके, उन्हें बता सके कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, एवरीथिंग. सो लिटरली लोगों के घर वालों को ही अपने लिए यूज़ करती है. तो इसके लिए मुश्किल नहीं होगा आपके डिवाइन मैस्कुलिन के घर वालों के सामने उन्हें फंसाने में, क्योंकि वो ऑलरेडी इन घर वालों को यूज़ कर रही है अपने लिए, राइट. तो ऐसे में अगर वो चाहे तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के ख़िलाफ़ उनके सारे घर वालों को कर सकते हैं. लाइक आपके डिवाइन मैस्कुलिन के घर वाले ही उनके खिलाफ हो जाएंगे. वो इन्हें मैनिपुलेट कर ही सकती है. वेरी सेक्शुअली हाइटेंड, शी यूजेस हर सेक्शुअल एनर्जीज. उसे मज़ा आता है इन सारी चीज़ों में. या दिस इज़ द थर्ड पार्टी सिचुएशन बॉस. ये आपके कनेक्शन का थर्ड पार्टी है और वो थर्ड पार्टी को यूज़ करती है अपने फेवर के लिए. लाइक वो जानबूझ के आपके पर्सन को इनसिक्योर फील कराएगी ताकि वो उनकी इनसिक्योरिटीज़ पर खेल सके. इसलिए कितना इम्पोर्टेंट होता है अपने चाइल्डहुड वूंडिंग्स को हील करना, नहीं तो कोई भी आपके कमज़ोरियों को आपके खिलाफ यूज़ कर सकता है. या शी ऑफर्स मनी. देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स में निकल के आ गया. शी यूजेस यंग किड्स. वो खुद भी उसका उम्र ज़्यादा नहीं होगा. ओके, कैन वी गेट सम क्लैरिटी ऑन दिस डिवाइन मैस्कुलिन. सन रिवर्स्ड, हाफ एंड रिवर्स्ड. लाइक आई सेड, इसका चाइल्डहुड वूंडिंग है. आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने अपना चाइल्डहुड वूंडिंग हील नहीं करा. एंड ये जो पर्सन है ये उसे उसके स्पिरिचुअलिटी से दूर लेकर के जाने के लिए आई है. दे माइट इवन बी मैरिड विद अ हायर पेंटी. रिवर्स्ड है, सो इट्स कमिंग टू एन एंड.
सन रिवर्स्ड है, हाफ एंड रिवर्स्ड है, सो आपका पर्सन इसे एक्चुअली पसंद भी नहीं करते थे आई एम हियरिंग, बट इट वॉज इट्स लाइक आपके पर्सन को अकेला चलना नहीं आता है, दे नीड समबडी बिसाइड देम ऑल द टाइम. तो ये बंदी आपके पर्सन के ईगो को बहुत बूस्ट करती होगी. We have King of Cups and it's reversed. Yep. I'm hearing ये lady उसके आपके person का karma है boss. He doesn't love this woman. King of Cups reversed. There are no emotions here. It's like पहले round में आपके person ने इस पर थोड़ा you know कहा होगा कि let's get married, settled everything. एकदम थर्ड डायमेंशनल रिलेशनशिप इजी गोइंग, बट देन उसे नहीं पता था कि अंदर ही अंदर इतनी सारी खिचड़ी पक रहा है. वी हैव द फोर ऑफ कप्स रिवर्स एंड वी हैव द एम्परर रिवर्स. आपका पर्सन इस वक्त ना इट्स लाइक छटपट आते हुए वो लिटरली इस ऑफर को रिसीव करेंगे फ्रॉम द यूनिवर्स कि प्लीज़ मुझे रिडीम करो, प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, बिकॉज आपका पर्सन अपनी पोजिशन से गिर चुका है. योर पर्सन वॉज वेरी इमेच्योर्ड. With all that strength of an emperor, he was acting like a kid. ठीक है ना, ये experience आपके person को पूरी तरीके से बदल देगा, पूरा एकदम 360 घूम जाएगा आपका person इस spirit के साथ deal करने के बाद. यहाँ your person is stagnant, वो वहाँ से निकलना चाहते पर निकल नहीं पा रहे, it's too chaotic. इट्स लाइक वो एक चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एंड ये दूसरा एक पल्यूशन शुरू कर देती है. इट्स लाइक कितने जगहों से अपने आप को बचाओगे. कैन वी गेट सम एक्स्ट्रा मैसेजेस प्लीज, सम एक्स्ट्रा मैसेजेस, कुछ नाम वाम आ जाएगा. योर पर्सन इज इन ट्रबल, डीप ट्रबल, लाइक आई कैन लिटरली फील वो इट्स लाइक आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस, प्लीज ब्रिंग मी आउट ऑफ दिस. बाबू व्हाट्स रॉन्ग, प्लीज़ गिव मी द नेम्स ऑफ द पीपल जिनके पार्टनर्स ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए प्लीज़. वी हैव 755 एंजल नंबर, वी हैव एनाकोंडा. देखो स्नेक स्पिरिट आकर के इट केम इन, स्नेक स्पिरिट एनाकोंडा. वी हैव सना, वी हैव रेन, we have black mamba, दो स्नेक स्पिरिट निकल के आए, एनाकोंडा एंड ब्लैक मैम्बा. सांपों से घिरे हुए हैं आपके पर्सन. आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर आपका पर्सन ड्रीम स्टेट में आकर के आपको कहते हैं कि प्लीज़ मुझे बचा लो एंड आप देखते हो आपका पर्सन सांपों से घिरा हुआ है एंड ही इज़ फाइटिंग ऑफ सम डीमन. आई विल नॉट बी सरप्राइज. वी हैव प्रणाली, डोंट वरी, आपको टेंशन लेने के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है, बिकॉज दे आर हेल्पिंग योर पर्सन आउट. वी हैव 040, वी हैव केतन, वी हैव 5151 मनप्रीत, वी हैव दीपशिखा, वी हैव हसन, वी हैव भारती, वी हैव सूर्य, वी हैव दीपाली, वी हैव 115, वी हैव फैजल, वी हैव शुभांगी. शुभांगी, शुभांगी थ्रोट चक्र क्लियर करो. फैजल आप अपना थ्रोट चक्र क्लियर करो. आई एम जस्ट गेटिंग ओ
एकदम से ब्लॉक आई एम फीलिंग इट. वैशाली वी हैव आई डिजर्व अ चेंज आई डिजायर अ चेंज. आपके पर्सन तो ऑफकोर्स ये चेंज मांग रहे हैं बट देन इट्स अ स्ट्रगल. वी हैव ब्लैक, ब्लैक कलर इज़ वेरी प्रोमिनेंट विद ब्लैक मामा एंड ब्लैक. या आपका पर्सन का फेवरेट कलर हो सकता है, या टॉक्सिक फेमिनिन का फेवरेट कलर हो सकता है, या फिर इट्स जस्ट अंधेरा भरा हुआ है, यू नो, एकदम गहरा अंधेरा. वी हैव शंभु, वी हैव 1995, तो ये उनका बर्थ ईयर हो सकता है 1995, या इट्स जस्ट योर एंजल नंबर. वी हैव मोहिनी, वी हैव 230, वी हैव सुनीता, वी हैव सानू, वी हैव ईशानी, वी हैव लिली फ्लावर, लिली, ठीक है. वी हैव शशि, वी हैव सारा, वी हैव भाव्या, वी हैव ईशा, वी हैव रूटा, वी हैव अविनाश. ओके, आई ड्रॉप्ड माई ईगो, माई फियर्स, माई वरीज, लुक्ड इन द मिरर इन आईज एंड आई सॉ यू सीटेड इन मी. या सो आपका पर्सन रिकग्नाइज कर रहे हैं कि यू आर द रियल पर्सन एंड दिस स्पिरिट इज डार्क. ठीक है, ये अंतर आपका पर्सन कर पा रहे हैं. आई ड्रॉप्ड माई ईगो, वो बोल रहे, वो अपना ईगो ड्रॉप कर चुके इस टॉक्सिक सिचुएशन में पढ़ के. दे रियलाइज कि ये उनका ईगो मैनिफेस्टेशन है. उन्होंने आईने में देखा और उन्होंने अपने खुद के आँखों में आपको देखा है. ठीक है, डीप इन दर सोल. सो वी हैव विचेज एंड द डार्क, विचेज ऑफ लाइट एंड डार्क रिकग्नाइज हु इज हु एग्जैक्टली. दिस पर्स, दिस वुमन इज डार्क, ये विच है बॉस. ठीक है, ये डार्क स्पेल्स करती है. ये लिटरली अपने पार्टनर्स के ड्रीम स्टेट में जाकर के उन्हें सेड्यूस करती है. जब वो सबसे ज़्यादा वॉनरेबल होते हैं तब वो उनके ऊपर स्पेल वर्क करती है ताकि ये अपने आप को डिफेंड भी ना कर सके. ठीक है, वी हैव लैक ऑफ कम्युनिकेशन. आप दोनों के बीच में देर इज़ नो कम्युनिकेशन, यू आर इन सेपरेशन राइट नाउ. कैन वी गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस प्लीज़. यू नीड दैट कम्युनिकेशन. आप लोग एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाते हो एंड आपका पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहा है इस वक्त. आई एम हियरिंग, कैन वी गेट सम हीलिंग मैसेजेस फॉर दिस masculine, please. Some healing messages for my, for this masculine, please. Slow down intensity. Exactly. धीरे धीरे they will come out of it. ठीक है, बहुत intense एक transformation वो experience करेंगे. They will find that strength जहाँ पर वो अपने आप को transform कर सके, क्योंकि आपका person अब transform होना चाहते हैं. वो इस intensity को अपने भीतर धारण कर पाएंगे. ठीक है ना, वी हैव पॉसिबिलिटीज़. एग्जैक्टली, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दिख जाएगा, मिल जाएगा उन्हें. दे आर लुकिंग, देखो ये बर्ड को देख रहे हो, इस हॉक को, ये एक्टिवली अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा है. तो आपका पर्सन एक्टिवली अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे सिचुएशन से बाहर निकलने का, आप तक पहुंचने का, और उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे. एंड इट्स अ वेरी बैलेंस्ड अपॉर्चुनिटी जो उन्हें मिलने वाला है. एंड इट्स नॉट प्लेइंग गेम्स, देयर इन अ वेरी सैड सिचुएशन. ठीक है ना, उनकी एनर्जी ड्रॉप हो रही है इस वक्त. ठीक है, मेरे सारे कार्ड्स एकदम से मेरे हाथ से छूट गए. सो इट्स लाइक थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ प्लेस राइट नाउ. See the fool card. They're taking that leap of faith. It's like वो बहुत लंबे समय तक कोशिश कर रहे थे चीज़ों को संभालने की, ठीक करने की, but then they just realized कि वो जिसके साथ और जिन चीज़ों को वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये वही इंसान है जो actually इन problems को जन्म दे रही है बॉस. So आपके पर्सन को लिटरली इस पूरे सिचुएशन को ड्रॉप कर देना होगा, इस पर्सन के साथ डील करना छोड़ देना होगा, क्योंकि ये पर्सन ही उनके लाइफ में ढेर सारे टॉक्सिसिटी लेकर के आ रहे हैं. इट्स लाइक वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे तो दूसरी तरफ से प्रॉब्लम निकल के आ रहा है, फिर यहाँ से वो सॉल्व कर रहे तो वहाँ से प्रॉब्लम निकल के आ रहा है. एंड दिस बिच मस्ट बी प्रिटेंडिंग कि हाँ देखो कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ. वो दिखावा कर रही है, इन प्रॉब्लम्स को उसने ही क्रिएट किया है. इन सारे आई एम हियरिंग
वो इंटेंगलमेंट्स करती है, लाइक एक पर्सन को दूसरे के खिलाफ, दूसरे के तीसरे के खिलाफ. इट्स लाइक अगर इनके बीच में इनके फैमिलीज के बीच में, ठीक है, पकड़ लो आप डिवाइन मैस्कुलिन के फैमिलीज के बीच में अगर उनमें कोई अंडरलाइन कोई इशू है, लाइक पकड़ लो भाई बहनों के बीच में जेलेसी हुआ या कॉम्पिटिशन हुआ या कुछ ऐसा कुछ है उनके बीच में, तो वो लिटरली इनके अपने लाइक खुद के जो टॉक्सिसिटीज़ है वो उसको मैनिपुलेट करके एक दूसरे के खिलाफ यूज़ करेगी, भड़का देगी. लाइक आपका मैस्कुलिन इस वक्त ऐसे पोजीशन में है ना, उसको बहुत लंबे समय तक समझ में ही नहीं आया कि यहाँ पर हुआ क्या, व्हाई इज़ ऑल दिस हैपनिंग. एंड द मोमेंट ही रियलाइज कि ये कहाँ से स्टेम हो रहा है, ही ड्रॉप दैट इंटायर थिंग. एंड यही ड्रॉप करने में ही उन्हें टाइम लग जा रहा है बिकॉज बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है यहाँ पे. लाइक आपका पर्सन जो ये पूरा वक्त चीज़ों को संवारने की कोशिश कर रहे थे ना, चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे थे, इसमें उनकी बहुत टाइम और एनर्जी गई है, ठीक है ना. तो इंटायर रियलाइजेशन दैट दिस इज़ अ फेलियर, दिस इज़ अ टॉक्सिक सिचुएशन, उन्हें वो एनर्जेटिक वाइज अपने आप को रिलीज करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा. आई एम हियरिंग या वी हैव क्रिएटिविटी, वी हैव करेज. एग्जैक्टली, आपका पर्सन लिटरली अपने क्रिएटिव साइड से भी डिसकनेक्ट हो चुके थे. लाइक एक्चुअली वो जो चीज़ें करना चाहते थे, उनके जो सपने थे, पैशन था, वो उन सारी चीज़ों से भी कट ऑफ हो गए. एक दिखावा को बनाए रखने के लिए, एक फॉल्स मैरिज या रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, लोगों को जताने के लिए देखो हम कितना परफेक्ट है, कितना अमेजिंग है, इस स्टूपिडिटी को बनाए रखने के लिए, इस टॉक्सिसिटी को बनाए रखने के लिए उन्होंने जो मेहनत की है ना, ये पूरा टाइम उनका चला गया. इट लाइक अब्सॉर्ब्ड ऑल दी एनर्जी एंड टाइम टू द पॉइंट कि आपका पर्सन लिटरली खुद पर और जिन चीज़ों से एक्चुअली उन्हें प्रेम था, जिन चीज़ों से एक्चुअली उनका लगाव था, जो चीज़ें उन्हें ये प्लेफुल एनर्जी में रखता था, यू नो हैप्पी एनर्जी में रखता था, वो उन्हीं चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो गए. इट्स लाइक उनके लाइफ में आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर आप अपने पर्सन से मिलते हो एंड यू रियलाइज उनके बातों से कि उनके अंदर से ऑलमोस्ट उम्मीद ख़त्म सी हो गई. इट्स लाइक उन्हें ऐसा विश्वास सा हो गया कि वो हैप्पीनेस डिजर्व ही नहीं करते. सॉरी अबाउट दैट गाइज, मैं एक्चुअली विंडो ओपन कर दी ना तो स्ट्रीट डॉग्स को देख करके फूफू एलू से एक्साइटेड हो गए. ओके, ये कार्ड यहाँ पर गिरा हुआ था, आई डिड नॉट सी दिस. गिल्टी, सो आपका पर्सन इज़ फीलिंग वेरी गिल्टी, उन्हें गिल्ट में बांधा गया किसी चीज़ को लेकर के. एंड देर माइट बी मल्टीपल वेज बिकॉज वो ऐसे एक मैनिपुलेटिव एनर्जी के साथ है इस वक्त, जहाँ पर इट्स लाइक अगर आपका पर्सन मैनिपुलेटिव रह चुके, ये लड़की उससे भी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, वो एक मैनिपुलेटर को मैनिपुलेट कर चुकी है. सो यू कैन इमेजिन, ठीक है ना, ये लाइक शैतान का दादा है, दादी है टाइप. यहाँ पास्ट लाइफ, दिस इज़ अ पास्ट लाइफ एनर्जी. आई फील ये एनर्जी बार बार करके आप दोनों के बीच में आ जाती है, उसे मज़ा आता है ये करने में. शी टेक्स अ लॉट ऑफ प्लेजर इन डूइंग इट, कि मैं हर बार आ जाऊँगी तुम दोनों को अलग करने के लिए. इट गिव्स हर अ सेंस ऑफ, इट्स लाइक दूसरों के बंदों को चुरा करके ना और अपना कह के उन्हें टेंट करके ना, उसको बहुत मज़ा आता है कि देखा मैंने तुम्हारे बंदे को अपना बना लिया, आई टुक योर पर्सन अवे. शी टेक्स प्लेजर इन ब्रेकिंग पीपल अप. दिस इज आपका पर्सन का ईगो मैनिफेस्टेशन. या वी हैव द एडवेंचर एंड वी हैव गोइंग विद द फ्लो. आपका पर्सन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन सीख रहे हैं, लाइक सीरियसली स्ट्रॉन्ग लेसन, लाइक डिवाइन के अगेंस्ट जाना, इस कनेक्शन को रिकग्निशन ना देना, आपका दिल तोड़ना, ठीक है, अपने ईगो को बढ़ावा देना, ठीक है. आई एम सेइंग आपका पर्सन इस रिलेशनशिप से बाहर निकलते निकलते वो पूरा 360 उनका पूरा यू नो इट्स लाइक चरित्र निर्माण हो जाएगा उनका, लाइक लिटरली डिवाइन क्वालिटीज़ उनके अंदर उभर के बाहर आ जाएगी एंड सारी टॉक्सिसिटीज़ को वो रिमूव कर पाएंगे. लाइक पूरा उनका
सिस्टम ही चेंज हो चुका होगा या दिल कम इन टू अ परफेक्ट बैलेंस। पहले अगर आपने अपने पर्सन में टॉक्सिसिटीज़, बचकानी हरकतें, नॉनसेंस देखा था ना, सब शेड हो जाएंगे इस एक्सपीरियंस के बाद। दिल कम लाइक इस नेगेटिव एंटिटी को हटाते हटाते ही ही बिकम अ बेटर पर्सन या टोटैलिटी। इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, एकदम सॉलिड लाइक क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, कैन वी गेट सम मैसेजेस ऑन दिस टॉक्सिक बिच कि इसका क्या कार्मा होगा? व्हाट इज द कार्मा फॉर दिस वुमन, दिस जेजेबल इनक्यूबस एनर्जी? आई एम हियरिंग कि ये एनर्जी मेल और फीमेल में चेंज होती है। सो अगर ये लड़की है तो वो लिटरली मैस्कुलिन एनर्जी को एम्बॉडी करके किसी फेमिनिन को भी सेड्यूस कर सकती है। बाइसेक्सुअल है, या वी हैव मॉरल्स, वी हैव ट्विन कार्ड कमिंग इन, वी हैव कंडीशनिंग। एग्जैक्टली, आप लोगों के बीच में ना बहुत ईविल कंडीशनिंग्स रहा है कि एक मर्द को कैसा होना चाहिए, एक औरत को कैसा होना चाहिए, दिस दैट ऑल रबिश काइंड ऑफ शिट नॉनसेंस। ठीक है, सब लाइक यू नो मिस इंटरप्रिटेड इंफॉर्मेशंस थे। ठीक है, इट्स लाइक जो बातें ओरिजिनली लिखी गई थी उनकी जो मीनिंग्स है उसको तोड़ मरोड़ के ना सब गलत इंटरप्रिशंस आप दोनों को सिखाए गए थे, आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन को, और आप उसी पर चल रहे थे। यू टुक द स्पिरिचुअल पाथ, यू चेंज्ड। ठीक है, यू टुक अप द हायर पाथ। ठीक है, अब आपके पर्सन की ये बारी है। इट्स देयर कंडीशनिंग। ठीक है, लाइक आई सेड, उनका चरित्र निर्माण हो जाएगा, लाइक प्रॉपर वो उनका प्रॉपर डीएनए एक्टिवेशन होगा एंड दे विल बी एबल टू कम ऑन द करेक्ट पाथ। दे वांट टू गो बाय द बुक। इस वक्त दे आर लाइक डिवाइन पार्टनर्स को जैसे होना चाहिए ना, ये कनेक्शन वैसे ही आगे बढ़ेगा। ये सारे टॉक्सिसिटीज़ को वो कहाँ कहाँ पर टॉक्सिसिटी है, कंडीशनिंग है, वो सब कुछ एकदम बारीकी सी देख पाएंगे। बिकॉज ये जो जेजेबल स्पिरिट है इन सारे कंडीशनिंग्स को उसी उसके पूरे फैमिली को हर्ट करने के लिए यूज़ करेगी, लाइक लेफ्ट राइट एंड सेंटर। आई टेल यू, आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे मुझे यहाँ पर अचानक से ध्यान में आया, द्रौपदी का याद है जब वो चीरहरण वाला सिचुएशन प्ले आउट हुआ था, दुर्योधन एंड शकुनी कैसे कुरुकुल के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को उनके ही खिलाफ यूज़ कर रहे थे कि मैं तो बाय रूल जा रहा हूँ, मैं तो बाय रूल जा रहा हूँ, ये तो रूल के मुताबिक है, राइट? तो ये अधर्मी लाइक लिटरली इनके कंडीशनिंग, इनके रूल्स, इनके सोकल नियम कानून को इनके खिलाफ बहुत बहुत प्लानिंग के साथ यूज़ करेगी एंड वो दिखा देगी कि यहाँ पर कैसा अंधापन फैला हुआ है। What is going to be the karma for this woman? We have divine masculine, we have postponement. Postponements create कर रही है ये suppression, आपका person इसके हाथों बहुत suppressed होती है। It's like वो इन्हीं rules regulation को ऐसे तोड़ मरो के use करती है ना कि कोई उसे cross नहीं कर पाता है। Can you hear this? This is crazy. रुक जाओ, sorry about that guys. नहीं, जब भी इस स्पिरिट की एनर्जी को मैं रीड करने की कोशिश कर रही हूँ एकदम से चीज़ें क्योटिक हो जा रहा है। लुक एट दिस बॉटम ऑफ द डेक टावर। ओके, कैन व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट सिंस इस जेजेबल स्पिरिट का कार्मा के बारे में स्पिरिट मुझे कोई मैसेजेस दे नहीं रहे, अभी हम इस सिचुएशन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट इस सिचुएशन में? व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सिचुएशन? लोनलीनेस, आपका पर्सन स्पिरिचुअल पाथ लेंगे। ठीक है, वी हैव द वर्ल्ड, वो अपने सोल ट्राइब को ढूंढेंगे। आई एम हियरिंग वो एक्टिवली ढूंढेंगे अपने सोल
सोल ट्राइब मेंबर्स को, ही विल टेक दैट पार्ट. सो ये पूरा एक्सपीरियंस आपके पर्सन को अपने सोल जर्नी पर वो डाल देंगे लाइक प्रॉपरली. जहाँ से वो भाग रहे थे, इट्स लाइक वो अपने अवेकनिंग, अपने आप से भाग कर इस सिचुएशन में गए थे एंड अब यही सिचुएशन उन्हें स्पिरिचुअल पाथ पे जाने के लिए धकेल देगा. ये सिचुएशन एक्चुअली आपके पर्सन को अच्छे से रियलाइज़ करवा देगा कि उन्हें क्यों इस स्पिरिचुअल पाथ को अबैंडन नहीं करना चाहिए था. यप, एग्जॉशन. व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट ऑफ दिस जेजेबल स्पिरिट? प्लीज टेल मी कि इस जेजेबल स्पिरिट का कार्मा क्या होगा. आई एम रियली इंटरेस्टेड इन यू. इसका कार्मा क्या होगा? उसके लिए सिर्फ एक एक्सपीरियंस होगा. शी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. थ्री, इट्स लाइक ये बोलेगी कि ये इतना गड़बड़ करने के बाद, इतने लोगों के जज्बात के साथ खेलने के बाद, इतने जिंदगियों के साथ खेलने के बाद, शी विल बी लाइक कोई नहीं, व्हाट्स नेक्स्ट. वो आगे बढ़ जाएगी लाइक नथिंग हैपेंड. या इट्स डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड. ये पूरा सिचुएशन इज डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड. आई एम काइंड ऑफ लिटिल सरप्राइज्ड कि ये इतना पागलपंती करने के बाद वो बच जाएगी क्या. ओके, फाइट. देर आर लॉट ऑफ फाइट्स हैपनिंग. सो दे विल फॉल इनटू अ फाइट. एकदम हाथापाई मारपीट वाला सिचुएशन होगा. शी इज़ फ्रॉम द डार्क साइड. शी इज़ फ्रॉम द डार्क साइड. प्रॉब्ली अपने डार्क साइड में रिटर्न चली जाएगी विद दैट शिप कमिंग इन. हाँ, वो जहाँ से आई है वो वापस चली जाएगी. शी विल गो फाइंड समबडी एल्स योर सिचुएशन में. पूरा वक्त यहाँ पर मजे लिए हैं. शी विल बी पुश्ड. आई एम हियरिंग आपके पर्सन को उसको धकेल के बाहर निकालना होगा बिकॉज शी डजेंट हैव एनी मॉरल्स एंड वैल्यूज. जब तक आपका लिसन, इस पर्सन को अगर हराना है ना, इस एनर्जी से अपने आप को छुड़वाना है, तो आपके पर्सन को लिटरली अपने मॉरल्स एंड वैल्यूज को अलाइन करना होगा. दैट्स द ओनली वे आउट. द ओनली वे आउट इज इन. इसे अपने राइचियसनेस से उसको हराना पड़ेगा. या शी इज गोन टू लूज आउट अ लॉट. शी लूज अप अ लॉट. उसे यहाँ पर धक्का लगेगा. इट्स लाइक आपका पर्सन जब अपने पावर में आएंगे ना, तो उसे एक रियलिटी चेक मिलेगा. ठीक है, बट देन शी विल स्टिल वॉक अवे विथ ऑल द मनी. ये प्रॉब्लम आपके पर्सन को सड़क पर ला करके छोड़ेगी. लाइक आपका पर्सन शायद इतना फिजिकली भी इतना वीक हो जाएंगे ना, इट्स लाइक आपके आँख में आंसू आ जाएंगे, देखने वालों के आंखों में आंसू आ जाएगा कि क्या हालत कर दिया इसने. या शी इज अ रिबेल. शी इज अ रिबेल. आपका पर्सन के हाथों इसका ईगो टूटेगा. इट्स लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम उसे रियलाइज़ होगा कि वो भी धकेली जा सकती है. लाइक बहुत से लोगों ने इसके सामने अपने आप को सबमिशन किया होगा और सब उसके हाथों में अभी भी बंधे हुए हैं. वो जिसके भी लाइफ को छूती है वो उसके कंट्रोल में आ जाता है. आपका पर्सन जब अपने आप को यहाँ से छुड़वाएंगे ना, शी इज गोना गो थ्रू एन ईगो डेथ. उसको ऐसा लगेगा कि वो मर गई, लाइक लिटरली मर गई. उसका ईगो डेथ ऐसा ही होगा. उसका एंड शी विल कम इन टू दिस फायरी एनर्जी. शी लाइक मैं नहीं छोड़ूंगी, आई विल नॉट लेट यू गो दिस दैट. इट्स गोइंग टू वीकन बोथ साइड्स अ लॉट. बट देन शी विल बी स्टिल रिसीविंग अ लॉट बिकॉज एंड ऑफ द डे आपके पर्सन ने इसको मैनिफेस्ट किया था. He asked for it. Hmm.
इल्यूजन, पेशेंस, फ्रेंडशिपनेस, फ्रेंडलीनेस, सप्रेशन, पोस्टपोनमेंट, एंड देन वी हैव डिवाइन फेमिनिन. वी हैव डिवाइन फेमिनिन मेच्योरिटी एंड वी हैव कॉम्प्रोमाइज. या ये पर्सन अपने आप को आपके साथ बहुत कंपेयर करती है. इट्स लाइक वो लिटरली आपकी एनर्जी को एम्बॉडी करती है, कॉपी कर देती है, ताकि आपका पर्सन कन्फ्यूज हो सके. इट्स काइंड ऑफ वियर्ड जब इंसान अपने डिवाइन के साथ, अपने हाई सेल्फ के साथ कमिटेड नहीं होते ना, लाइक अलाइन नहीं होते, बहुत आसानी से वो जेजिबल इनक्यूबस सक्यूबस नेगेटिव नार्सिसिस्टिक एनर्जीज के साथ वो मिक्स कर बैठते हैं, जो उनके लिए ईजी है, जहाँ पर उन्हें लगता है कि वो कंट्रोल में है, ठीक है, वो उसी को चुनते हैं. ये पर्सन इज़ वेरी इन सोरो. देख रहे हो इस पर्सन की हालत, देख रहे हो इसका हाथ देख करके लग रहा है कि दिस इज़ अ यंग गाय, पर उसका चेहरा देखो पूरा रिंकल से भर चुका है. ये इस एनर्जी के साथ डील करते वक्त आपका पर्सन का चेहरा बदल जाएगा. स्किज़ोफ्रेनिक ये पर्सन विल नीड अ लॉट ऑफ हीलिंग. ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो. ये एनर्जी बहुत थी. आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय.